सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इकाई 6 समीकरण तथा सर्वसमिका का अर्थ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है, समीकरण का अर्थ क्या होता है, समीकरण किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, उसे किस प्रकार हल करते हैं, और सर्वसमिका क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, और समीकरण और सर्वसमिका में क्या अंतर होता है, यह भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने 5 यूनिट और उसका अभ्यास दोनों ही कंप्लीट कर लिया है, और जितने भी वीडियोस बने हैं दोस्तों, उसको मैंने एक जगह इकट्ठा करके उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में, उस पर क्लिक करके दोस्तों आप गणित की पिछली जितनी भी वीडियोस हैं इकाई 1 से इकाई 5 तक की, वह सभी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो वो सभी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो सभी वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आपके इकाई 6 को। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमें समझना है समीकरण के बारे में, समीकरण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। यह जब आप एकदम बेसिक से समझेंगे दोस्तों, तब आपको एकदम बेहतर समझ में आएगा, और मैं आपको एकदम बेसिक से ही समझाऊंगा कहां से समीकरण निकलता है। देखिए दोस्तों, डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में हम लोग वाक्य बोलते हैं, कई सारे वाक्य बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आज रात में वर्षा होगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, संख्या 10 संख्या 15 से बड़ी होती है, रविवार के बाद सोमवार आएगा, कल के मैच में भारत जीतेगा। तो दोस्तों, ये जो वाक्य हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, इसमें कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सत्य होते हैं, कुछ असत्य होते हैं, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग यह वाक्य सत्य ही होगा या असत्य ही होगा यह डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं, यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आज रात में वर्षा होगी, जो पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, आज रात में वर्षा होगी, अब यह आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह जो कथन है वह सत्य होगा या असत्य होगा। अभी से आप इस कथन के बारे में यह नहीं कह सकते कि यह सत्य ही होगा या यह असत्य ही होगा। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अब आपको नहीं पता होगा तो भी आप यह बता सकते हैं कि यह कथन जो होगा या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है या नहीं, फिर भी आप इतना जरूर कह सकते हैं निश्चित रूप से कि यह जो वाक्य है, यह वाक्य या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। लेकिन ऐसा आप आज रात में वर्षा होगी इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं कि यह जो कथन है वह सत्य ही है या असत्य ही है। तब अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के वाक्य जो दोस्तों हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं, उनमें से अगर हम लोग ऐसे वाक्य चुन लें जो केवल सत्य हो या असत्य हो, जिनका सत्य या फिर असत्य होना निश्चित होता है, ऐसे वाक्यों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग कथन कहते हैं। या तो वह वाक्य जो होगा वह सत्य होगा या तो असत्य होगा। जैसे यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अब यह कथन या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। और इसी तरीके से संख्या 10 संख्या 15 से बड़ी है, यह जो वाक्य है यह वाक्य या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें हम लोग कथन बोलते हैं। आपने दोस्तों पढ़ लिया कथन क्या होता है। अब दोस्तों, कोई भी जो कथन होता है उसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में, गणित के रूप में कैसे दर्शाते हैं यह देख लीजिए आप लोग। जैसे दोस्तों, आप किसी छोटे बच्चे से बोलें कि 6 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार दिखाते हैं कि 6 × 6 = 12, यही इसका मैथमेटिकल
रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी प्रकार हम लोग इसे गणित में दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें हमारे पास कई सारे चिन्ह होते हैं, तीन चिन्ह होते हैं, या तो बराबर का चिन्ह होता है, या तो ग्रेटर देन बड़े का चिन्ह होता है, या तो स्मॉलर देन छोटे का चिन्ह होता है। तो ये तीन चिन्ह हमारे पास दोस्तों होते हैं किसी भी कथन को गणित में दिखाने के लिए। अब दोस्तों इन चिन्हों में से हमें इस यूनिट में जिस चिन्ह पे ध्यान देना है वह चिन्ह है इक्वल टू, यानी कि समता का जो चिन्ह होता है उस पे हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे समता से युक्त कुछ कथनों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, जैसे 6 + 6 = 12 और x + 5 = 7 और x²= 9। अब इन सभी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि इन सभी में समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो कथन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं समता सूचक कथन। और दोस्तों x क्या होता है यहाँ पे, x मैंने पहले भी आपको बताया है कि x जो होता है वह एक चर होता है। जब मैंने आपको बीजीय व्यंजक यूनिट 2 में पढ़ाया था दोस्तों, तभी मैंने आपको बताया था कि चर अचर क्या होता है। चर वह होता है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है, मतलब उसका मान कुछ भी हो सकता है, और अचर संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका मान जो है वह परिवर्तित नहीं होता। जैसे 5 का मान हमेशा 5 ही रहता है, कभी कम या ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 -1, -2, तो इस प्रकार x को हम लोग चर कहते हैं। अब देखिए आपने चर अचर सीख लिया और कथन किसे कहते हैं और समता सूचक कथन क्या होता है यह आपने यहाँ पे देख लिया दोस्तों। अब इन्हीं का प्रयोग हमें आगे समीकरण को समझने में लगेगा, तो आगे चलते हैं देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक समीका के दोनों पक्षों का मान समान होता है। चर का यह विशिष्ट मान समीकरण का हल कहलाता है। अब दोस्तों जैसा कि आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि जो समीकरण होता है उसमें समता सूचक चिन्ह होता है और उसमें बीजीय व्यंजक होता है, और बीजीय व्यंजक के किसी मान के लिए जब दोनों पक्ष जो होते हैं बराबर के इधर उधर, जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है, वह जिस मान के लिए बराबर होते हैं उसी को हम लोग समीकरण का हल कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए सबसे पहले आप समीकरण में क्या देखेंगे कि उसमें समता सूचक चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले में आप देखेंगे तो बराबर का चिन्ह नहीं है, और यहाँ तीसरे में देखेंगे तो बराबर का चिन्ह नहीं है, मतलब यह समीकरण नहीं है और यह भी समीकरण नहीं है। और इसमें देखिए बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक x है, तो यह एक समीकरण है। यहाँ पे एक चर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। अब x के उस मान के लिए दोस्तों जिस मान पे बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का मान जो है वह बराबर हो जाता है वही समीकरण का हल कहलाता है। जैसे अब 4x + 5 = 17 दिया है, तो x का हम लोग क्या मान रखते हैं कि 4x + 5 = जो हो इसका जो मान हो जाए वह 17 के बराबर हो जाए, तो वही जो x का मान होगा वही समीकरण का हल होगा। तो आप लोग यहाँ दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि x के किसी एक मान के लिए जो बायां पक्ष होता है वह दाएं पक्ष के बराबर होता है समीकरण में। अब दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि समीकरण क्या होता है। अगर अभी भी आपको कुछ कसर रह गई है कि समीकरण अभी भी आपको थोड़ा कम समझ में आया है, तो अब आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण को बनाते कैसे हैं यह देख लेंगे, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे दोस्तों कि समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए समीकरण को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए कि आपने अपने भाई को कुछ रुपए दिए तथा आपकी माँ ने
आपके भाई को 50 रुपए दिए, अब दोनों रुपए को मिला करके उसके पास कुल 200 रुपए हो गए हैं आपके भाई के पास। आपने अपने भाई को कितने रुपए दिए, समीकरण बना के स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने अपने भाई को कुछ रुपए दिए हैं और आपके माँ ने 50 रुपए दिए हैं आपके भाई को, और आपके भाई के पास टोटल 200 रुपए हो गए हैं। अब इसी को बोल रहा है कि समीकरण के माध्यम से आप दिखाइए। तो समीकरण के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि आपने अपने भाई को x रुपए दिए हैं। अब दोस्तों x x से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, x क्या है, x क्या है। तो x के जगह दोस्तों आपको जो समझ में आता है आप वह लिख सकते हैं। x रुपए लिख लीजिए, y रुपए लिख लीजिए, a रुपए मान लीजिए, b रुपए मान लीजिए, आपको जो समझ में आता है, मतलब उसके जगह पे हमें कुछ लिखना है। जैसे अब समीकरण बनाते हुए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि आपके द्वारा दिए गए रुपए में हमने आपकी माँ द्वारा जो दिया गया रुपया है उसे जोड़ दिया है, और यही दोनों रुपए मिलकर के आपके भाई के पास तो 200 रुपए हुए होंगे। आपने दिया है पैसे और आपके माँ ने 50 रुपए दिया है, तो इन्हीं दोनों रुपयों से मिलकर के 200 रुपए हुए हैं आपके भाई के पास। आपने जो रुपए दिए हैं उसे हमने जोड़ लिया आपके माँ के द्वारा दिए गए रुपए में, तो ये हो गए हैं 200 रुपए बराबर 200 रुपए। अब यही समीकरण का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। आपको ये तो पता है कि आपकी माँ ने 50 रुपए दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि आपके द्वारा कितने रुपए दिए गए हैं। यही हमें समीकरण के द्वारा हल करना है। तो आपने, हम लोग मान लेते हैं x रुपए दिए हैं और x आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कुछ y मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x मान लिया। अब देखिए x धन 50 बराबर 200 हो जाएगा, और यही जो आपका है x धन 50 बराबर 200, यही आपका समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार आपको समीकरण बनाना होता है किसी भी दिए गए कथन से ही समीकरण बनता है। यह मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। यहाँ पे एक कथन था दोस्तों, एक एग्जाम्पल था जिससे हमने समीकरण बना लिया। अब समीकरण को हल कैसे करते हैं दोस्तों? समीकरण में दोस्तों मैंने आपको बताया कि समीकरण में x के किसी मान के लिए जो दोनों पक्ष होते हैं वह बराबर होते हैं, वही समीकरण का हल होता है। तो समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों दोनों पक्ष को हम लोग बराबर दिखा देते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लोग 50 को इधर भेज देंगे दाईं तरफ। तो 50 जब इधर आएगा तो -50 हो जाएगा यहाँ पे। अब x बराबर 200 माइनस 50, अब 200 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 150। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 150। यानी कि आपने अपने भाई को 150 रुपए दिए थे और आपकी माँ ने 50 रुपए दिए थे, तो मिलके कितना हुआ था 200 रुपए आपके भाई के पास। अब इसी प्रकार दोस्तों किसी भी दिए गए वाक्य से आपको समीकरण बना लेना है और उसको हल कर लेना है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि समीकरण होता क्या है, समीकरण को बनाते कैसे हैं और समीकरण को हल किस प्रकार करते हैं। अभी भी मैं आपको हाईलाइट बता देता हूं, आप ना हो तो कहीं पे लिख लीजिए। जो समीकरण होता है उसका सब मूल बातें जो है वह आप लिख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप समीकरण की पहचान में देखिएगा कि समीकरण में बराबर का यानी कि समता सूचक चिन्ह होगा, और दूसरी पहचान समीकरण में आप देखिएगा कि बाएं या दाएं पक्ष में एक चर राशि जरूर होगी, यानी कि एक्स या वाई आप कोई चर राशि बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में आपको देखने को जरूर मिलेगी। और समीकरण का हल किस प्रकार निकालना, हमें समीकरण का हल तब निकलता है दोस्तों जो बाया पक्ष और दाया पक्ष चर राशि के किसी मान के लिए बराबर हो जाता है। तो अब दोस्तों यहां तक आप
समीकरण समझ गए हैं। अब हम लोग समझते हैं सर्वसमिका का क्या अर्थ होता है। दोस्तों हमने समीकरण में पढ़ा कि किसी एक मान के लिए x के किसी एक मान के लिए जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है वह दोनों आपस में बराबर हो रहे थे। लेकिन सर्वसमिका में दोस्तों क्या होता है, सर्वसमिका में x के प्रत्येक मान के लिए जो बायां पक्ष होता है वह बराबर होता है दाएं पक्ष के। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है x ब्रैकेट में 2x प्लस 5 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे x के दोस्तों हम लोग विभिन्न मान रखेंगे और बाएं पक्ष को देखेंगे और दाएं पक्ष के मान को देखेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले x का मान रखते हैं ऋण 2। अब माइनस 2 रखेंगे बाएं पक्ष में तो देखिए ऋण 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5 में। तो इसका मान दोस्तों आपको मिल जाएगा माइनस 2 और दाएं पक्ष में जब आप रखेंगे x का मान माइनस 2 तो आपको मिलेगा माइनस 2। इसी प्रकार x का मान माइनस 1 रखेंगे तो बाएं पक्ष का मान आपको मिलेगा माइनस 3 और दाएं पक्ष का मान आपको मिलेगा माइनस 3। इसी प्रकार दोस्तों विभिन्न मानों के लिए देखेंगे तो सभी जो मान हैं वह बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर इसके सभी मानों को दोस्तों आप देखेंगे x का मान आप कुछ भी रखते जाएंगे तो जो दोनों पक्ष हैं उनका मान जो है प्रत्येक x के मान के लिए वह समान ही आपको मिलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग ये जो बीजीय कथन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सर्वसमिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है ऐसा समता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमिका कहलाती है। मतलब x के हर एक मान के लिए यह सत्य होता है। और समीकरण में क्या होता है, समीकरण में किसी एक मान के लिए जो बायां पक्ष होता है वह दाएं पक्ष के बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग देखना चाहें अगर कि समीकरण और सर्वसमिका में क्या अंतर होता है तो यहाँ पे देखिए अंतर, समीकरण एक ऐसा समता सूचक बीजीय कथन है जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, जबकि सर्वसमिका एक ऐसा समता सूचक बीजीय कथन है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। यही समीकरण तथा सर्वसमिका में प्रमुख अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि समीकरण एक ऐसा बीजीय कथन होता है जिसमें आपको केवल एक दो या कुछ निश्चित मान ऐसे मिलते हैं जिसके लिए बायां पक्ष जो होता है वह बराबर होता है दाएं पक्ष के। लेकिन दोस्तों सर्वसमिका में क्या होता है, सर्वसमिका में जो भी समता सूचक युक्त बीजीय कथन होता है उसमें प्रत्येक मान पे, चर के प्रत्येक मान पे जो बायां पक्ष होता है वह दाएं पक्ष के बराबर होता है। यही मुख्य अंतर होता है दोस्तों समीकरण और सर्वसमिका में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण हम किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है और समीकरण हम लोग किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार हल करते हैं। यह सभी चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। सर्वसमिका क्या होती है, सर्वसमिका और समीकरण में अंतर क्या होता है, इतनी चीजें दोस्तों आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने की जरूरत है क्योंकि हम लोग अभ्यास करेंगे तो भी आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और अगली जो आपकी इकाई है इकाई 7 उसको भी जब आप पढ़ेंगे तो भी आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी, आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों अभी जितना आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग आपका जो 6वां यूनिट का अभ्यास प्रश्न है वह हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों 10 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी को दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद इकाई 7 भी इसी से रिलेटेड है तो इकाई 6 और इकाई 7 आप लोग एक बार पढ़ने बैठिएगा तो इकाई 6 और 7 एक बार में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों एक दो बार आप लोग
रिपीट करके पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको कभी भी समीकरण और सर्वसमिका में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस को, और अगला लेक्चर भी दोस्तों आपको इसी गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी जो नोटिफिकेशन होती है, जितनी भी क्लासेस हम आपके लिए लाते हैं इतने मेहनत से, वह आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार दोस्तों आपको सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं तो सभी विषयों को आप जरूर पढ़िए। बाकी यह वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।